जयपुर में यातायात व्यवस्था बेहद ही लचर बनी हुई है और कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि घंटों तक यातायात लगातार जाम रहता है। बिगड़े हालातों को देखते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने अब यहां पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से सुधारने की कवायद भी शुरू कर दी है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जैसे जैसे राजधानी का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यातायात व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है। चार दीवारी में तो पहले से ही यातायात जाम की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब बाहरी इलाकों में भी यह यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। झोटवाड़ा, खातीपुरा, भांगरोटा, चार दीवारी और खासा कोठी से कलेक्ट्रेट सर्किल पर तो हालात ये है कि यहाँ पर घंटों वाहनों का जाम लगा रहता है। लेकिन अब डीसीपी ट्रैफिक ने शुरुआती तौर पर खासा कोठी सर्किल से लेकर कलेक्ट्रेट तक यातायात व्यवस्था को सुधारने की योजना बनाई है। हम लोग अभी मेनली खासा कोठी से जो ट्रैफिक जा रहा है कलेक्ट्रेट की तरफ और जो कलेक्ट्रेट से आ रहा है वो पैच सबसे ज्यादा रुकने वाला रहता है। अगर आप देखें तो उसके आगे तो फिर भी गाड़ी चलती रहती है, तो उसको अभी हमने फोकस किया है और महीने भर के अंदर वहाँ पे भी आपको जरूर फर्क दिखाई देगा। योजना के तहत खासा कोठी से कलेक्ट्रेट सर्किल तक नो पार्किंग जोन बनाया जाएगा ताकि कोई भी वाहन सड़क पर खड़ा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर अजमेर रोड बाईपास पर कमला नेहरू नगर भांगरोटा पर कई किलोमीटर तक वाहनों का जाम लगा रहता है। भांगरोटा अजमेर रोड बाईपास पर रोज रोज कई घंटों तक लगने वाली जाम की समस्या से अब निजात मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने बाईपास पर सड़क पर बने हुए ब्रेकर्स को हटा दिया है, साथ ही सर्विस लेन रोड और स्लिप लेन की चौड़ाई को बढ़ा दिया है। मुख्य तौर पे तो इसमें हमारा प्रयास है कि जो ट्रैफिक पास करता है, क्योंकि उसमें जो जरूरत है वो तो वहाँ पे ओवरब्रिज की है, वो एक दीर्घकालिक समाधान है, हमारे हाथ में अल्पकालिक समाधान है। तो अल्पकालिक समाधान में हमने यही किया है कि जो ट्रैफिक गुजरता है उसकी स्पीड को हम बढ़ाएं, उसको जल्दी से जल्दी निकालें, जिससे अधिक से अधिक गाड़ियां हम उस जगह से पास करा दें। उसके लिए हमने मेन तौर पे तो वहां पे जो मल्टीपल ब्रेकर्स बने थे उसको हमने हटवाया है, जो उसका प्रोटेक्टिंग वॉल था उसको छोटा करा के सड़क को चौड़ी कराई, जिससे अधिक से अधिक वाहन का फ्लो उसमें हो सके, और स्लिप लेन हमने पक्की बनवा दी है। जो पहले चौराहे से आके मुड़ना पड़ता था उसके लिए प्रॉपर स्लिप लेन बनवा रहे हैं, बीच में ट्रैफिक आइलैंड बनवा रहे हैं, जाप्ता बढ़ाया है जो कि लोगों को असिस्ट करे जल्दी निकलने में। बहरहाल देखा जाए तो चार दीवारी के बाद अब बाहरी इलाकों में भी जाम के हालात बने हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि यातायात व्यवस्था को सुधारने की। बहरहाल अब देखना यह है कि डीसीपी ट्रैफिक की शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने की कवायद कब रंग लाती है। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ यादवेंद्र शर्मा, एवन टीवी न्यूज, जयपुर।